बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव के पीडब्ल्यूडी रोड से इजोत गांव को जोड़ने वाली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क समय समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि उक्त निर्माण कार्य अक्टूबर 2020 में प्रारंभ होकर अक्टूबर 2021 में समाप्त हो जाना था, परंतु संवेदक और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त सड़क कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क में 17 मीटर पीसीसी और बाकी का कालीकरण करना है, जिसमें 1 नगपुल तथा 3 नगपुलिया का भी निर्माण किया जाना है। सूचना पट के अनुसार उक्त सड़क के 5 वर्षों के रखरखाव के लिए लगभग 13 लाख रुपया आवंटित की गई है। इस संबंध में ग्रामीण मनोज ठाकुर ने बताया कि बारिश से पूर्व संवेदक द्वारा कार्य आरंभ किया गया था, परंतु बारिश शुरू होते ही संवेदक द्वारा काम बंद कर दिया गया और ग्रामीणों को भरोसा दिया गया कि बारिश खत्म होने के बाद अविलंब कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु बारिश खत्म होने के उपरांत भी ना तो संवेदक और न ही संवेदक कामों से दोबारा नजर आया, जिससे कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जयनगर के कार्यपालक अभियंता चित्तरंजन राहुल ने बताया कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संवेदक का कुल प्राकलन राशि से 10% की कटौती की जाएगी। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता हरी संभु की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में चालू कल के बारिश ज्यादा हुआ लगे छोड़ कर चल गई गाछी तक भेल ही वही आगे तक की गिरल है गिट्टी बालू मिला का गिरल है। हाँ हाँ वैसे आगे नहीं गिरे ले पहले ना वैसे आगे नहीं गिरे ले वैसे आगे नहीं भेल है। ठेकेदार आयल रहे था ठेकेदार वही समय में जहिया बनी तही समय में आयल रहे तो की कहलक कि बन जाएगा बारिश खत्म होगा तो बन जाएगा, लेकिन बारिश खत्म हुआ तो उसका था पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मनोज ठाकुर, इसी गाँव का निवासी। इसी गाँव का निवासी।